सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक नया टिकटॉक आईडी या एक नया टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल पर एक नया टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं। तो टिकटॉक आईडी बनाना काफी आसान है, आप 2 मिनट के अंदर अंदर इसे बना सकोगी। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना किसी स्किप के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टिकटॉक आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल नाम का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस प्रोफाइल पे टाइप कर लीजिए। और इस प्रोफाइल पे टाइप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगी साइन अप, तो इस साइन अप पे टाइप कर लीजिए। और साइन अप पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो हो जाएगी। फर्स्ट नंबर है फोन नंबर और ईमेल, और दूसरा है कंटिन्यू विद फेसबुक, तीसरा है कंटिन्यू विद गूगल। अब दोस्तों अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट अपने फेसबुक अकाउंट से बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद फेसबुक करें, या अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट गूगल अकाउंट से बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद गूगल करें, या अगर आपके पास फोन नंबर है और ईमेल है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर ईमेल है तो मैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पे मैं टाइप कर लेता हूँ। इस पे टाइप करने की बात अगर आपके पास फोन नंबर है तो यहाँ पर फोन नंबर लिख लीजिए, अगर आपके पास ईमेल है तो यहाँ पर ईमेल भेजिए, ईमेल पे टाइप कर लीजिए। ईमेल पे टाइप करने के बाद यहाँ पर ईमेल डाल लीजिए, तो फटाफट यहाँ पर मैं ईमेल डाल लेता हूँ। और ईमेल डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पर आप लोग पासवर्ड डाल लीजिए। अब दोस्तों आपका जो पासवर्ड है वो 8 करेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, और आपके पासवर्ड के अंदर एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेशल करेक्टर दे देते हैं, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए आपका पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, और पासवर्ड डालने के बाद भी यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो कोई फर्जी भी आप डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जैसा यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ सेम टू सेम भी आप डाल सकते हैं। तो फटाफट यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए और नेक्स्ट के बटन पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद एड योर निक नेम, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम डाल लीजिए, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल लेता हूँ। और नाम डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म की बटन पे टाइप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ओके पे टाइप कर दीजिए। ओके पे टाइप करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पे टाइप कर दीजिए। अब दोस्तों अगर आपको किसी को यहाँ से फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद इस एरो पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए और अपने प्रोफाइल पे टाइप कर लीजिए। प्रोफाइल पे टाइप करने के बाद अपलोड फोटो पे टाइप कर लीजिए। अपलोड फोटो पे टाइप करने के बाद जो भी इमेज आप अपने प्रोफाइल पे लगाना चाहते हैं उस इमेज को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना है, तो इस पे मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद ऊपर आपको एक सर्कल शो हो जाएगी, तो इस सर्कल पे टाइप कर लीजिए। सर्कल पे टाइप करने के बाद नीचे जाइए और कन्फर्म पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद इस इमेज को यहाँ पर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट दिस फोटो टू स्टोरी, इस पे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, इसे ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद सेव के बटन पे टाइप कर लीजिए, तो कुछ ही टाइम में ये आपकी प्रोफाइल पर अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपलोड स्टार्ट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने नाम को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बायो भी लिख सकते हैं कि आप कौन हो। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी लिंक कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से आप लोग एक नए टिकटॉक अकाउंट को बना सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।